अर्की के वार्ड नंबर 3 में पंजाब के नवाशहर की हंस कवाल एंड पार्टी द्वारा गुगा जाहर पीर का गुणगान करके उनकी जीवनी का व्याख्यान भजनों के माध्यम से किया जा रहा है। पार्टी के मुख्य महेंद्र हंस कवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सावन महीने में रक्षाबंधन से इसकी शुरुआत होती है और कृष्ण अष्टमी पर इसका समापन किया जाता है। उन्होंने गुगा जाहर पीर के बारे में विस्तृत जानकारी भी बताई। ये राजस्थान में एक बागड़ शहर है जहाँ की जयमल सिंह, उनकी दो पत्नी थी बाशल और काशल। काशल छोटी सी, काशल बड़ी थी और बाशल छोटी सी, और धोखे से उसने जब उधर गोरखनाथ जी महाराज आए तो बाशल गई तो उन्होंने अपनी औलाद की, उनके औलाद नहीं होती तो औलाद के लिए उनके मतलब अरदास की, तो उस गोरखनाथ जी ने महाराज ने बोला कि अब कल आ जाना। तो उसने अपनी बड़ी बहन को बता दिया काशल को, तो काशल धोखे से, औलाद दोनों के नहीं थी, काशल धोखे से गई तो दूसरे दिन उसे फल ले आई। उसने दो जौ दिए उसको, तो उसके दो जोड़ा पुत्र हुए, गोरखनाथ जब बाक दिया तो धोखे से ले आई तो बाशल को बताया नहीं। तो जब बाशल भी थोड़े समय तक उसके गोरखनाथ जी महाराज के पास गई तो मांगा, उनसे फल मांगा, तो गोरखनाथ जी गुस्से में आ गए कि आप अभी तो हमसे दो बच्चों को पाल लेगी, आप फिर दोबारा आ गई। तो गोरखनाथ जी उससे चल दिए गुस्से में। तो ऐसे फिर चलता रहा काम, कुछ समय बीता तो फिर गोरखनाथ जी महाराज से बोले से गुग्गल लाए, तो फिर बाशल को दिया, तो उनके फिर वो गुग्गल से गुग्गा जहर पीर जी ने जन्म लिया। तो जो आज चारे कुट्टे उसको मानती है, तो आज हम उसके इसी का गुणगान करने के लिए आए। हिमाचल प्रदेश में ये आर्की गांव है, यहाँ हमने गुग्गा जहर पीर का गुणगान करना है, किया भी है, अभी और भी करना है। सिटी चैनल के लिए अर्की से शहनाज भाटिया के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।